बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दुनिया में हर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो इन्हें काफ़ी नायाब बना देती हैं। ऐसे लोगों के वजूद पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मगर हकीकत में वो इस दुनिया का हिस्सा होते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों में से एक होते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में पाए जाने वाले इन्हीं लाखों में से एक यूनिक लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें देख कर यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मैं हूँ मुमताज़ नियाज़ी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुश आमदेद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, द हॉर्न लेडी, यानी सींगों वाली औरत। दोस्तों, आपने एक हैरत अंगेज हॉलीवुड फिल्म मैलेफिसेंट तो शायद देखी ही हो, जिसमें एक डायन का किरदार अदा करने वाली औरत के लंबे लंबे सींग होते हैं। खैर, ये तो सिर्फ एक ख्याली किरदार था, लेकिन क्या आप हकीकी दुनिया की सींगों वाली औरत के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए असली सींग रखने वाली इस औरत से मिलते हैं। इस औरत का नाम जेंग रेफिंग है। साल 2010 में चीन से ताल्लुक रखने वाली इस खातून ने अपने सब दोस्तों और फैमिली को हैरान कर डाला, जब ये खातून अपने माथे पर सींग रखने की वजह से सुर्खियों में आई। सन 2010 में वो 101 साल की हुई, लेकिन ये सींग पूरी जिंदगी उनके साथ रहा। इस खातून के साथ रहते हुए सींग को डॉक्टरों ने और अपने खानदान वालों ने द डेविल्स हॉर्न, यानी शैतानी सींग का लकब दिया। अगरचे इनके माथे के एक तरफ सिर्फ एक सींग ही पूरी तरह निकला हुआ नजर आता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरा सींग भी दूसरी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता देखा जा सकता है। ये चमड़े नुमा सींग है, जो दरअसल एक खास जल्दी बीमारी जिसे कैराटेनस स्किन ट्यूमर कहते हैं, के नतीजे में बनते हैं। इस बीमारी की वजह से हमारी जिल्द पर एक गुम्बद नुमा ट्यूमर निकलता है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। इन सींगों को सर्जरी के जरिए काटा जा सकता है, मगर जेंग के पास ये सींग बिल्कुल अनोखी जगह पर है, जो की 6 सेंटीमीटर तक फैल चुके हैं। नंबर 2, द क्वीन ऑफ डार्क। नाज़रीन, जनूबी सूडानी अफ्रीकी नयाद अमेरिकन मॉडल नया किम गेटविच से मुलाकात करें, जो कि एक बैन अलावामी मॉडल है, जिसने अपने मखसूस स्या रंग के साथ खूबसूरती के तमाम नाम नयाद असूलों को पिछाड़ कर रख दिया है। 24 साल अफ्रीकी मॉडल और फैशन आइकॉन को अपनी स्या रंगत से किसी भी किस्म की शर्म या झिझक महसूस नहीं होती, और वो इस बात को यकीनी बनाती है कि दुनिया को इस बात की खबर हो कि वह कुर्रा अर्ज की स्या तरीन शख्सियत है। उन्होंने लोगों को स्या रंग से खौफजदा न होना सिखाया है, और खुद रिवायती खूबसूरती की रुकावटों को तोड़ दिया है। गेटविच न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में खास मकाम रखती हैं, बल्कि दुनिया भर में पाए जाने वाले स्या फामों के हकूक की आवाज बुलंद करने में भी अपना किरदार अदा करती हैं। यहाँ तक कि उन्हें क्वीन ऑफ डार्कनेस का खिताब दिया गया है, जिसे उन्होंने खुशी से कबूल कर लिया है। नाज़रीन, जनूबी सूडानी मॉडल की खूबसूरती को पहले कोई भी मानने को तैयार नहीं था, मगर उसे कामयाबी मिलने के बाद सब उसके दीवाने हो गए। वो बताती हैं कि सन 2016 में एक उबर ड्राइवर ने उन्हें अपनी जिल्द को ब्लीच करने का कहा था, जिसका मतलब ये था कि गहरी रंगत से कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा। उसने सिर्फ हंसी से इस बात का जवाब दिया, और तब से अपने हैरत अंगेज शक्ल को पूरी तरह से गले लगा लिया। नंबर 3, द मैन विद नो जॉ। तस्वीर में नजर आने वाले शख्स का नाम आइसाया अकोस्टा है, जिसके ना तो जबड़े हैं और ना ही कोई आवाज, यानी ये बोल भी नहीं सकता। ऐसा किसी हादसे के नतीजे में नहीं हुआ, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर अपने जबड़े से महरूम है। सांस लेने के लिए ये शख्स एक खास किस्म की ट्यूबिंग्स का सहारा लेता है, लेकिन इस शख्स को अपनी ये हालत जिंदगी को एंजॉय करने से कभी नहीं रोक सकी, जो की एक ट्रू इंस्पायरेशन है। एरिजोना से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स फैशन इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री में मॉडल के तौर पर काम करता है, और लोगों से बात करना करता है, मगर वो लोगों से कैसे बात करता है, हालांकि वो तो बोल भी नहीं सकता। इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ गैजेट्स, हाथ के इशारों और म्यूजिक का इस्तेमाल करता है। म्यूजिक ने इस शख्स को आवाज दी है। वो शायरी लिखते हैं, जो वो खुद तो नहीं बोल सकते, मगर मुख्तलिफ फनकार उनकी शायरी को आवाज देते हैं। इस तरह वो बोल सकता है और हम उसके ख्याल सुन सकते हैं। नंबर 4, अदर वर्ल्ड ब्यूटी। नाज़रीन, तस्वीर में नजर आने वाली खातून का ताल्लुक तिब्बत से है, जो की एक मॉडल है, जिसकी खूबसूरती को हम किसी दूसरी दुनिया की खूबसूरती कह सकते हैं। इनका नाम सुनैना है, जो कि बाकी तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है, और जो चीज सुनैना को दूसरों से अलग करती है वो इसका फिगर, वजन या हाइट नहीं, बल्कि इसके बिल्ली जैसी नजरें, चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह की खूबसूरत जिल्द, जबड़ों की अजीब सी बनावट और गैर रवायती तौर पर मुनफरिद नजर आने वाली नाक है। इसके चेहरे पर बिखरे हुए तिल और इसके पुरजोश होंठ इसे बॉलीवुड की मशहूर फिल्म एवतार में नजर आने वाले एक कैरेक्टर एलियन से मुशाबहत देते हैं। सुनैना ने किस्मत के एक बेतरतीब झटके से मॉडलिंग
मॉडलिंग में अपना रास्ता बनाया जब वो एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ सड़कों पर एक स्काउट के फराइज सर अंजाम दे रही थी। और आज फैशन इंडस्ट्री में हर कोई इस मॉडल के साथ काम का ख्वाहिशमंद है। इनकी चमकदार और मुनफरिद खूबसूरती ने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और आज इनके इंस्टाग्राम पर मद्दाहों की तादाद 2 लाख से तजावज कर गई है। कुछ लोगों के ख्याल में इनका ताल्लुक नेपाल से है जबकि कुछ लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती और काबिलियत से मुतासर हैं। नंबर 5, द लॉन्गेस्ट नोज। नाजरीन, मशहूर करेक्टर पिनोकियो की नाक चंद मखसूस हालात में लंबी हो जाती है जिस पर हमारे चैनल पर एक तफसीली वीडियो मौजूद है, लेकिन तस्वीर में नजर आने वाले शख्स के नाक को इसके जिस्म की मुस्तकिल खसूसियत के तौर पर जाना जाता है। 18वीं सदी में रहने वाले एक अंग्रेज थॉमस वेटर की नाक दुनिया की सबसे लंबी नाक थी जिसकी लंबाई 7.5 इंच थी, जो कि एक मखसूस बीमारी जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं की वजह से लंबी हुई थी, जिसमें जिस्म के अज़ा का साइज बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप आज के इस मुनफरिद शख्स को देखना चाहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी नाक रखता है? इस शख्स का नाम मेहमत ओज़ुरक है जो कि तुर्की से ताल्लुक रखते हैं। सन 2010 में इनकी नाक की लंबाई 8.8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि रिप्लीज बिलीव इट और नॉट के ऑडिटोरियम में एक मोम के मुजस्मे की शक्ल में आज भी मौजूद है। नंबर 6, ज़ेनज़िमान अली। नाज़रीन, तस्वीर में नजर आने वाले शख्स का नाम ज़ेनज़िमान अली है और इसका ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क रवांडा से है। इसका सर बाकी जिस्म से काफी छोटा है जो कि एक मखसूस मेडिकल कंडीशन की वजह से है। इस मखसूस मेडिकल कंडीशन को माइक्रोसेफली कहते हैं जिसकी वजह से इसे दूसरे देहातियों की तरफ से जुल्म और हिरासा करने का सामना करना पड़ता है और वो रोजाना 20 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर छुप जाता है और घास खाकर जिंदा रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होती है तो एक हस्ती ऐसी है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती और वो है माँ। सिर्फ ज़ेनज़िमान की माँ ये नहीं समझती कि वो अगली है और वो 5 बच्चों को खो देने के बाद इसे अल्लाह की नेमत समझती है। उन्होंने ऑनलाइन दर्दमंदाना लोगों से मदद की अपील की है ताकि वो ज़ेनज़िमान की बेहतरीन नशोनुमा और इलाज मुआवजा करा सकें। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।